हेलो फ्रेंड्स, पंजाबी नीटिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको रेगलेन कटिंग के साथ हाई नेक गला बुनना बताऊंगी। ये मैंने रेगलेन कटिंग के साथ ये दो बॉडी पार्ट तैयार कर लिए हैं और ये दो बाजू तैयार कर लिए। अब हम सीखेंगे कि इन चारों पार्ट्स को जोड़कर हमने हाई नेक गला कैसे बुनना है। हमने इन्हें जोड़ने के लिए एक बॉडी पार्ट, एक बाजू, एक बॉडी पार्ट और फिर एक बाजू ऐसे जोड़ना है। इस सिलाई में मैंने एक बॉडी पार्ट को दिया हुआ है। इस बॉडी पार्ट के साथ पहले हम ये एक बाजू जोड़ेंगे। बाजू के सभी फंदों को हम ऐसे सिलाई पर उतार लेंगे। ऐसे हमने ये एक सिलाई पर एक बॉडी पार्ट और एक बाजू को उतार दिया है। अब हमने फिर से दूसरे बॉडी पार्ट को इसके साथ जोड़ना है। जोड़ते वक्त ये ध्यान रखना है कि ये सभी उल्टी तरफ से हों। जैसे ये पार्ट उल्टी तरफ से है, बाजू भी उल्टी तरफ से हो और बाकी के दो पार्ट भी उल्टी तरफ से हों। ये बॉडी पार्ट जोड़ने के बाद अब लास्ट में हमने दूसरी बाजू को जोड़ लेना है। इन चारों पार्ट्स को जोड़ने के बाद हमने गले की बुनाई करनी है। मैंने ये गले के लिए 120 फंदे लिए हैं। 40-40 फंदे बॉडी पार्ट के और 20-20 फंदे बाजू के। मैंने इसे स्टार्टिंग से 120 फंदों से स्टार्ट किया है तो गले के भी 120 फंदे ही लगेंगे। नॉर्मली हम जितने फंदों से बॉडी पार्ट तैयार करते हैं गले के तकरीबन उतने ही फंदे होते हैं। अगर आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। अब इसे हमने बुनना शुरू करना है। इसे मैंने दो उल्टे दो सीधे का ही बुनना है। अब हमने जो ये कटिंग की है, कटिंग में ये पहले तीन फंदे सीधे हैं और बीच में एक फंदा उल्टा है, लेकिन मुझे ये दो फंदे सीधे और दो उल्टे चाहिए। तो मैं पहले दो फंदों को सीधा बुन लूँगी। इसके बाद अगले दो फंदों को उल्टा। ऐसे हमने ने दो सीधे दो उल्टे बुनते हुए गले को बुनना है। अब हमने ये बाजू के साथ इस बॉडी पार्ट को जोड़ना है। ये बाजू के लास्ट दो फंदे हमने उल्टे बुने हैं तो अगले बॉडी पार्ट के पहले दो फंदे हम सीधे बुनेंगे। उसके बाद दो फंदे उल्टे बुनेंगे। अब हमारे पास ये एक फंदा सीधा रह जाता है, लेकिन हमने दो फंदे सीधे बुनने हैं। अगर हमने यहाँ दो फंदे उल्टे बुन दिए तो ये हमारी जो नीचे से
डिज़ाइन बनता आ रहा है वो गले में टूट जाएगा। हमने इसे ऐसे ही रखना है, तो हम यहाँ एक फंदा बना लेंगे ऐसे, ये एक फंदा हम बना लेंगे। एक फंदा बनाने के बाद ये फंदा सीधा बुनेंगे, ये दो फंदे सीधे हो गए। उसके बाद आगे जैसे जो फंदे दिख रहे हैं दो उल्टे दो सीधे के, उन्हें ऐसे ही बुनते जाएंगे। अब इसके साथ हमने फिर बाजू को जोड़ना है। ये एक सीधा फंदा हमने इधर बुना है और एक सीधा फंदा इधर बुना। ये बुनने के बाद अगले दो फंदे उल्टे, फिर अगले सीधे, ऐसे हमने जो फंदा जैसा दिख रहा है उसके ऊपर वैसे ही बुनते जाना है। अब हमने इसके साथ दूसरे बॉडी पार्ट को जोड़ देना है। ये एक फंदा इधर सीधा बुना है तो अगला फंदा हम सीधा बुनेंगे। उसके बाद दो उल्टे फंदे बुनिए। इसके बाद हमें यहाँ दो फंदे सीधे चाहिए, तो यहाँ भी हम अपना एक फंदा ऐसे ही बना लें। एक फंदा सीधा बुनेंगे तो ये दो फंदे सीधे हो गए। उसके बाद जो फंदा जैसा दिख रहा है उसे वैसा ही बुनना है। अब हमने इसे अपने डिज़ाइन को सही रखने के लिए इसमें दो फंदे बढ़ा दिए। अब हमारा ये गले का डिज़ाइन 122 फंदों का हो गया है। इसमें हम अपने डिज़ाइन के हिसाब से एक दो फंदा एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने इसमें दो फंदे बढ़ा दिए हैं। अब हमने इसे ऐसे ही जितनी हमें गले की लंबाई चाहिए उतना बुन लेना है। ऐसे ही हमने ये उल्टी सीधी सिलाई कंप्लीट करते हुए इसे बुनते जाना है। अब ये मैंने 5 इंच गले की बुनाई कर ली है और अब हमने इन फंदों को बंद करना है। फंदों को बंद करने के लिए पहला फंदा सीधा बुने, दूसरा फंदा भी सीधा बुने और ये पीछे वाले फंदे को ऐसे उतार दें। ये हमने बिल्कुल ही ढीला धागा रखते हुए गले को बंद करना है ताकि ये आसानी से पहना जा सके। अगला फंदा फिर सीधा बुने, पिछले फंदे को इसके ऊपर से उतार दें। ऐसे करते हुए हमने धागा ढीला रखते हुए सारे फंदे बंद कर देने हैं। ऐसे सारे फंदे घटाने के बाद हमारे पास ये आखिरी फंदा रह जाएगा, तो इससे हमने ऐसे बंद कर लेना है।
ऐसे हमने ये सारे फंदे बंद कर लेने हैं। इसके बाद हमने इसकी सिलाई करनी है। गले की सिलाई करने के बाद इस पूरे स्वेटर की सिलाई कर लेनी है। इसकी सिलाई करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा दिखेगा। कंप्लीट सिलाई करने के बाद ये ऐसा दिखेगा। थैंक्स फ्रेंड्स।